नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप दुबे। दोस्तों यहाँ पे एक्सिस बैंक ने अपने कस्टमर का जो लिमिट था क्रेडिट कार्ड का, 6 मंथ के अंदर में ही डबल कर दिया। सोचने वाली बात है और आप भी एकदम शौक जाओगे कि भैया कैसे हो सकता है। काफी सारे वीडियो मेरे यूट्यूब पर मैंने बना के डाले थे, आज आपको बताने वाले हैं कैसे लिमिट डबल हो गया। अगर आपकी लिमिट लो है तो आपकी लिमिट डबल हो सकती है, बट कुछ चीजें आपको फॉलो करने हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर देना। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। सो ये मेरे व्यूवर्स है जो की एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनके पास पे स्लिप ITR सारी चीजें उपलब्ध है। सिविल स्कोर की बात करो तो सिविल स्कोर काफी हद तक अच्छा है, करीबन 60, 100, 70, 80 के बीच में है और ये कभी पेमेंट को डिले नहीं करते हैं, सारे पेमेंट टाइम से करते हैं। रूल और रेगुलेशन कोई बात करूं तो उसको फॉलो भी करते हैं, कोई गलती नहीं करते हैं। दोस्तों इनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट दोस्तों करीबन 75,000 के लमसम था दोस्तों। आज इनकी लिमिट दोस्तों करीबन 1.5 लाख के आसपास हो चुका है और दोस्तों इन्होंने इसके पहले बैंक को जो है मेल किया था लिमिट इंक्रीज के लिए, तो बैंक ने इन्हें 5 लाख प्लस का प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफर दे दिया और इन्होंने इसमें से 2 ही लाख लोन लिए, बाकी का लोन नहीं लिए। अब इसके बाद बैंक ने क्या किया, इन्होंने फिर से बैंक को बताया तो इसके बिहाफ पे इनके पास जो है कुछ बैंक के से जो कहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉय गवर्नमेंट है तो उसके लिए इनको कुछ पे स्लिप या इनकम प्रूफ कुछ रहते हैं। अब से इन्होंने सेंड करके अपने लिमिट को डबल करवा लिया। अब सुनने वाली बात यहाँ पे, एक बैंक अगर आपको प्री अप्रूव पर्सनल लोन ऑफर अगर दिया है तो सेम टाइम में आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज नहीं कर सकता है, ये बातें याद रखना, बैंक की पॉलिसी रूल है। बट यहाँ भी फ्रेंड आज के टाइम में मैं बात करूं तो पॉलिसी और रूल तो बहुत अपनी जगह है, बट एक्सिस बैंक में एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इनके कस्टमर हैं, अगर एक क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करते हैं तो 1,500 नहीं करते हैं, दो गुना तिगुना चार गुना तक करते हैं। अभी मेरे व्यूवर्स थे, उनकी लिमिट 1 लाख थी, डायरेक्ट 4.5 लाख रुपए कर दिए थे। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आपके पास एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है तो मैं आपसे सिर्फ 3 बातें कहना चाहूंगा अपने तरफ से। पहला, जितना हो सके कार्ड को एक हिसाब में खर्च करो, टाइम से बिल पेमेंट करो, गलती मत करो, बार बार अदर बैंक क्रेडिट कार्ड अप्लाई मत करो और क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू बाकी है दोस्तों आप उसे बिल बनने से पहले दोस्तों पेमेंट करने की कोशिश करो, पार्ट पेमेंट करो। इसके बाद फ्रेंड अपने क्रेडिट कार्ड को दोस्तों ज्यादा एड मनी करके पैसा बैंक में लेने की कोशिश ना करो। इसके बाद रेंट पेमेंट के नाम से पैसा बैंक में लेने की कोशिश ना करो, इससे बैंक आपके डेटा को ट्रैक करता देखता है कि मेरा पैसा ये कहां कहां यूज कर रहे हैं। और आप अगर फ्लिपकार्ट पे कभी शॉपिंग कर लिए, मोबाइल मंगा, कभी ऑर्डर आपको सामान EMI में काउंट कर लिए, इससे आपकी लिमिट जल्दी इंक्रीज होने के चांस रहते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब आप पैसा एड मनी करके बैंक में लेते हो तो बैंक को उस टाइम किसी टाइप का बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि आप जो एड मनी करते हो जो चार्जेस होते हैं वो मर्चेंट को पे करते हो और आप वो EMI में अगर कन्वर्ट करोगे तभी तो बैंक को फायदा होगा, अगर वन टाइम पेमेंट किए तो बैंक को क्या फायदा होगा। इस यहाँ पे बैंक हमेशा उन्हीं कस्टमर को चुनता है जिनसे थोड़ा से बेनिफिट प्राप्त हो। सो किसी किसी का हो जाता है, बट अधिकतर अगर आप शॉपिंग मान लो अपने कार्ड को शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो आपकी लिमिट ज्यादा इंक्रीज होने के रहेंगे। मैं लास्ट में एक बात आपको और कहना चाहूंगा कि दोस्तों अपने क्रेडिट कार्ड से कभी ATM से कैश विड्रॉल या दोस्तों अपने कार्ड से आप जैसे कि मान लो कार्ड आपके पास आ चुका है, बिल पेमेंट किया, फिर पैसे निकाल लिया, फिर जमा किया, फिर निकाल लिया, एक काम मत करना, मैं आपको अपना खुद का सलाह दूंगा, इससे कर्ज में आप आ जाओगे और आपका यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से डैमेज खराब हो जाएगा। तो आप जान पाए और मेरे व्यूअर्स को ए लिमिट डबल मिल गया, आप बताना कि आपको कितनी लिमिट मिली अब तक और मेरा कमेंट में जरूर देना। अगर आपको लिमिट इंक्रीज करना है तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा, ट्रिक बताने वाला हूं। दोस्तों आप कुछ भी मत करना, अगर आपके पास ITR है तो बैंक को मेल करके ITR फाइल देके अपने लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो। अगर ITR नहीं है, पे स्लिप नहीं है तो बस एक ही काम करो, अपने कार्ड से एक हिसाब में खर्च करो, बैंक खुद ही आपकी लिमिट को इंक्रीज कर देगा। काफी लोग का हुआ है, आपका होगा और मेरा भी हुआ था बिना इनकम प्रूफ बिना पे स्लिप का। वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।